तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ बुढ़ाडांड सागर पारा पहुँच चुके हैं और ये है एंट्रेंस। तो गाइस मैं बता दूँ, बड़ा मेहमानी में दाम गिनोनी के बारे में मैंने बताया था। आदिवासी कल्चर है दोस्तों, एक रीति रिवाज है। तो दाम गिनोनी का जो अभी शादी हुआ है उस समय, अभी मतलब दाम गिनोनी वाला कार्यक्रम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दाम गिनोनी कैसे होता है। सो वेलकम बैक गाइस टू आवर लवली यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ARTK ब्लॉग। तो अभी गाइस हम लोग मड़वा के नीचे बैठ चुके हैं और यहाँ पे कुछ मुखिया है परिवार के, गांव के सभी यहाँ पे बैठे हैं, जो कि पुराने रीति रिवाज को अभी देखने को हमें मिलने वाला है। और तो और गाने भी पुराने आप सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम को हम दाम गिनोनी के कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। यह आदिवासी और जनजाति का एक मुख्य भाग है। दोस्तों अभी जो सामने लोटा देख रहे हैं, यह कांसे का लोटा है और प्रोग्राम का जो शुरुआत होता है इसी लोटे को आदान प्रदान करने के बाद में ही स्टार्ट होता है। जो हमारे मुख्य रहते हैं वह आदर प्रेम के साथ एक दूसरे को स्वागत के रूप में 3 बार लोटे को आदान प्रदान करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दाम गिनोने के लिए स्पेशल मतलब विशेष तौर पर एक हड़िया का निर्माण किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, और उस हड़िया को कांसे के इस लोटे में डालकर प्रोग्राम का प्रारंभ किया जाता है और उसी हड़िये को निकाल कर एक दूसरे में सप्रेम मिलजुल कर पाठ कर दिया जाता है। सो फाइनली गाइस अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और इससे पहले आप देख सकते हैं कि इस कपड़े को बिछाया जा रहा है। इस कपड़े को आदिवासी बोलचाल में दोस्तों बरका कहा जाता है और इस बरके के ऊपर दोस्तों मोटा साड़ी या मोटा कपड़ा कहा जाता है उसे बिछाया जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि इस मोटा कपड़ा में कुछ ढूंढा जा रहा है। वह क्या ढूंढा जा रहा है वह मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस मोटा साड़ी में कुछ कलाकृति कुछ निशानी ऐसी बनाई गई है जिसे यहाँ पे ढूंढा जा रहा है, जिसे हम आदिवासी बोलचाल में कन्ना कहते हैं, जिसे हम संख्याओं में गिनती करते हैं। जैसे कि इस मोटा साड़ी में 14 कन्ना बनाया गया है। इसके अलावा और भी संख्याएं होती है जैसे 12 कन्ना, 14 कन्ना, 16 कन्ना और 24 कन्ना। ये जो संख्याएं हैं वे खंडों और लंबाइयों के आधार पर कपड़ों में बनाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिक्कों की गिनती की जा रही है। यह बहुत ही मज़ेदार मोमेंट रहता है दोस्तों। यहाँ पे नोक झोंक बहुत ही मज़ेदार तरीके से किया जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चार मंजा खून हो रही तो चार ठोका दुर मंजा अरे साहब आज मंजा दुर टीका मंजा दुर अरे था काले पैसा जिस कम तो आधा मंजा है मन करना है मारो करना है करना है हां हां ए बाबा दान दे यार
समझ रहे हो समझ रहे हो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी एक एक करके हर कपड़े को निकाला जा रहा है और मेरे जो अंकल है वो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। तो गाइस बड़ा मेहमानी में दोनों पक्ष के पंचों द्वारा यह लिस्ट तैयार किया गया है जो कि एक पेपर में है जिसका फोटो खींचकर अंकल मोबाइल में रखे हुए हैं। तो दोस्तों आज उसी के आधार पर आज का जो भी लेन देन का कार्यक्रम आप देख रहे हैं वह आदिवासी नेक दस्तूर के रूप में पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों कुछ संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आजी लिदरी जो कि दादी के लिए दिया जाता है, मैं सारी लुगा लड़की की माँ के लिए दिया जाता है और सारा धोती लड़की के भाई के लिए। तो ऐसा ही सारी लुगा भी होता है जो कि लड़की की बहन के लिए दिया जाता है। क्या बोला तूने? सारी लोग
तो गाइस ये थी संक्षिप्त जानकारी। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस ये आज का लास्ट प्रोग्राम है जिसको हम संघ छोड़ोने के नाम से जानते हैं, जिसे 101 रुपया लड़के पक्ष की ओर से दिया जा रहा है।